मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ में सोमवार की रात शादी समारोह के दौरान एक कक्ष में दूल्हे की 17 वर्षीय भतीजी बाथरूम में मृत अवस्था में पाई गई, जबकि पास ही नग्न अवस्था में यूपी पुलिस का सिपाही रवि बालियान सोता मिला। वह उस वक्त बुरी तरह नशे में बताया गया है। युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सिपाही की जमकर धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। सिपाही रवि बालियान वहां क्यों पहुंचा और उसका युवती से क्या संबंध था, इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के विरोध में परिजनों व आसपास के लोगों ने गढ़ रोड पर जाम लगा दिया है। उनकी मांग है कि जब तक उन्हें शव पोस्टमार्टम तक दिया जाए तब तक दोषियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, अन्यथा वे शव को लेकर एसपी देहात कार्यालय पर धरना दे देंगे। यह घटना बीती रात गढ़ रोड स्थित रेड कार्पेट विवाह मंडप में हुई। युवती के गले व शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। आज सुबह नागरिकों ने न्याय व उचित कार्रवाई की मांग करते हुए गढ़ रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर थाना भावनपुर व मेडिकल थाना पुलिस पहुंच गई है। मेरा उनसे निवेदन है, मेरा हमारा पीएम में होता है या तो उतनी देर में गिरफ्तारी हो जाए और विषय समझ लिया जाए, अन्यथा जो हमारी अंतिम शव यात्रा होगी वो एसपी देहात कार्यालय में रखकर हम अपनी मांग करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन हमारी यहाँ नहीं सुनेगा तो एसपी देहात के कार्यालय में सुनेगा। बड़े भाई 11 बजे से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बात कर रहे हैं जिस समय हो जाएगा उस समय जब हमें डेड बॉडी मिलेगी एसपी देहात महोदय से पूछेंगे अपने वाक्य को हम, अगर उनके साथ ऐसा हो जाता तब क्या उनकी नींद खुली रहती क्या, वो सोते क्या इस समय, वो निकल कर समाज के सामने आते इस समय। सर वो मेरी भतीजी है, कल उनके मामा के यहाँ शादी थी जी कार्पेट में। अच्छा, तो वहाँ वो दो या ढाई घंटे के करीब वो मिली नहीं थी सीधी ऊपर को, वो दो ढाई घंटे तक मिली नहीं। घर वालों ने उनसे खोजबीन वहाँ शुरू करी है तो दो ढाई घंटे बाद एक कमरे के बाथरूम में वो लड़की मिली है। वहाँ के कैमरे सारे बंद है, उससे कुछ समय पहले ही कैमरे बंद कर दिए गए। वहाँ 112 पे हमने सूचना दी, पुलिस आई वहाँ पे तो वो केवल तमाशा देखने के लिए आई थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल की थाने में जाओ, वहाँ से कंप्लेंट होगी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। बच्ची के उस बेरहमी के साथ मारा है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया गया है और फिर उसका गला दबाकर मारा है। इसी चीज़ के लिए धरने पे बैठे हैं कि बस हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। इसमें हुआ था भैया, वो लड़की है ना जो बारात चढ़ गई थी, बारात आने के बाद में वो लड़की गायब हो गई थी यहाँ से एक डेढ़ घंटे, वो पता नहीं कहाँ गई। सारे में ढूंढा इन्होंने, सारा फंक्शन खत्म हो लिया तो बाथरूम में यहाँ पर ये जो मैनेजर का कमरा रूम है, मैनेजर का रूम के बराबर में ही बिल्कुल कमरा रूम बना हुआ है, उसके अंदर लड़की मिली। अब वो आदमी मिला, लड़की मरी मिली हमारी वाली। आदमी कौन था कुछ पता चला? आदमी पकड़ा गया है वो पुलिस पे। अच्छा, घटना किस टाइम की है? ये रात की है। आपका क्या नाम है? मैं नाम बबलू सिंह लोधी है। आप यहीं काम करते हो क्या? नहीं, मैं जहाज जिस बारात आई थी ना, मैं उनके भाई के यहाँ नौकरी का, मैं से भी देखना आया था किसी लगी है नहीं लगी है। उधर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने इस घटना के बारे में यह जानकारी दी। ये थाना भावनपुर क्षेत्र में एक रेड कारपेट विवाह स्थल है, वहाँ पे शादी समारोह चल रहा था और उस समय पुलिस को सूचना दी गई थी एक गुमशुदा होने की। बाद में पता चला जब वहाँ पुलिस गई और लोगों ने ढूंढना भी शुरू किया था, पहले से ही ढूंढ रहे थे, एक कमरे के अंदर एक लड़की जो मेजर है उनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उस कमरे में एक व्यक्ति सो भी रहा था जो नशे में था। बाद में पता चला वो पुलिस के कांस्टेबल हैं। इसमें एक और तथ्य संज्ञान में आया था कि पिछले दो घंटे से घटना होने से पहले लड़की और एक और अन्य व्यक्ति भी गुमशुदा थे, दोनों की तलाश की जा रही थी। इसमें सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। परिजनों की तहरीर के अनुसार इसमें 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। PM के लिए बॉडी भेजी गई है। जो भी इसमें तथ्य होंगे और जो सही चीज़ होगी उसके आधार पर विवेचना की जा रही है। जो भी एविडेंसेस थे वहाँ से कलेक्ट किए जाने के प्रयास किए गए। फॉरेंसिक टीम से लेकर सारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।